प्रयागराज से खबर है जहां पर अशरफ की पत्नी जैनब को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है जैनब। जैनब ने हत्याकांड में शामिल होने से किया था इनकार। और इसके लिए आपको बता दें जैनब ने कोर्ट में अपील भी की थी लेकिन उसे झटका लगा है, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है जैनब। अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी है जैनब और जैनब को लगाया झटका। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। गुफरान, बताया जा रहा है कि जैनब पिछले काफी लंबे वक्त से कोशिश कर रही थी कि उसे सफलता मिले और उसे छूट मिल जाए, जमानत मिल जाए, लेकिन उसे एक बड़ा झटका मिला है और हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक से इनकार कर दिया है। गुफरान बिल्कुल जी, क्या आज चलिए गुफरान के पास आएंगे। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से इनकार किया। दरअसल गिरफ्तारी से बचना चाह रही थी जैनब लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है जैनब और अब जैनब पर शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि उसे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। ये बड़ी खबर, अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब को झटका। जैनब की भी कई मामलों में भूमिका रही है जिसको लेकर उस पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि जैनब अभी फरार है, जैनब अतीक की पत्नी भी फरार है, शाइस्ता परवीन फरार है और बहुत सारे लोग जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे वो अभी फरार हैं। हाईकोर्ट ने जैनब की याचिका पर नहीं मिली है राहत, अशरफ की पत्नी जैनब को झटका।